देखो अभी खाना हो गया और बिल्कुल शांत है, और इसका आंखें देखिए कितना सुंदर है। हाँ, बहुत ज़्यादा भूख लग गया है। 9:30 रात की 9:30 हो रहा है और ये तो हम लोगों का हर दिन का काम है। हाँ रेडी हो गया। चंदा पानी लेके आओ। हाँ ठीक है हो गया। रियो भी बहुत चिल्ला रहा है। चलो आ जाओ रियो, आना है तो आ जाओ। ठीक है अभी खाना बनने में देरी है, चुपचाप बैठना है, ठीक है ना। चंदा पानी लाओ। हो गया बहुत ज्यादा भूख लग गया है। तो हाई फ्रेंड गुड इवनिंग, मैं हूं दीपंकर, ये है चंद्रा और ये है हम लोगों का सारे परिवार और हम सभी करते हैं आप सभी को हम लोगों का यूट्यूब चैनल पर दीपंकर में बहुत बहुत स्वागत। और ये जब तक भूखा रहेगा, जब तक पूरा पेट भर के खाना नहीं खिलाएंगे, तब तक ऐसे साउंड होता रहेगा। और ये तो हम लोगों का हर दिन का काम है। और रात की 9:10 कुछ भी है, मतलब इन लोगों को खाना खिलाना है, उसके बाद मांका के पास एक बार जाना है, उसके बाद हमको खाना खाना है। रियो आ जाओ। एक मिनट बाबा, हो गया। हाँ, और इससे पहले तो बहुत बार बहुत सारा वीडियोस में शेयर कर चुका हूँ कि प्रॉपर तरीका क्या होता है। बहुत ज़्यादा। हाँ, और वो तो पूरा के पूरा फ्लाई भी लगाता है अभी। तो जो कह रहा था, इससे पहले बहुत सारा वीडियोस में बहुत बार कह चुका हूँ कि प्रॉपर तरीका क्या होता है हैंड फीडिंग फार्मूला बर्ड्स को खिलाने के लिए। ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। क्या हुआ रही हो, इतना बड़े हो गए हो फिर भी। हो गया। और टेम्परेचर बहुत मैटर करता है। 37-40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में बेबी बर्ड्स को हैंड फीडिंग कराना सही रहता है। अगर आप बिल्कुल नए हैंड फीडिंग में, मतलब बेबी बर्ड चिक्स को आप फर्स्ट टाइम हैंड फीड करा रहे हैं, तो टेम्परेचर बहुत मैटर करता है। आप टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए कोई भी मशीन आप यूज कर सकते हैं। ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो इंडाइजेशन होने का चांस रहता है, और ज़्यादा पतला हो जाएगा उन लोगों का ग्रोथ और हेल्थ सही नहीं रहेगा। तो ये दोनों चीज़ थोड़ा मेंटेन करके हम लोगों को करना पड़ेगा। नहीं, गर्म है तभी जाके सारे बेबी बर्ड्स को अच्छे हेल्थ के साथ आप बड़ा कर पाएंगे। चलो उनको लेके आओ तो चंदा। हाँ, पहले तुमको देंगे, सबसे पहले तुमको खिलाएंगे। और थोड़ा टेम्परेचर देखो तो ठंडा पानी। हाँ, आ गया ठंडा पानी। मतलब जल्दी ठंडा करने का जो तरीका है, बहुत ज़्यादा गर्म है और ये ऐसे अगर चिल्ला रहा है तो ठंडा पानी का ऊपर ऐसे बैठा के थोड़ा सा टाइम रखेंगे तो जल्दी ठंडा हो जाएगा। और एक तरीका है, इससे पहले मैं करता था कि बहुत ज़्यादा गर्म पानी में थोड़ा सा पानी लेके उसका अंदर हैंड फीडिंग फार्मूला तैयार करके ठंडा, हाँ पहले इसको खिलाओ तो ठंडा पानी मिक्स करने से भी जल्दी तैयार हो जाता है। हो गया। मैं खुद एक बार चेक करता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ, और आज एक पुराना बात याद आ रहा है। आप लोग अगर मेरा चैनल का पहला वीडियो देखा, फर्स्ट वीडियो देखा, वो वीडियो क्या था याद है चंद्रा को? याद है? हाँ। चंद्रा ऐसे 3 या 4 ऐसे अफ्रीकन ग्रे का बेबी था। दे रहा हूँ यार, 3 या 4 ऐसे कुछ अफ्रीकन ग्रे का बेबी था। उन लोगों को चंद्रा हैंड फीड करा रही थी और जस्ट वहाँ कोई बात वगैरह मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ चलो हो गया। वहाँ उस वीडियो में मैंने तो कोई भी बात वगैरह कुछ नहीं किया था, सिर्फ चंद्रा हैंड फीड करा रही थी और मैं ऐसे कैमरा पकड़ के खड़ा था। वो याद आ गया कि पहले हम लोग ऐसे करते थे। चलो सेल्फ फीडिंग हो गया है, खुद का खाना खुद खा पाता है, फिर भी थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, दे देते हैं। और अभी रुद्रा, मतलब तभी तो रुद्रा का कोई मैटर ही नहीं था और अभी रुद्रा भी सीख गए हैं। ठीक है। हाँ चंद्रा, वो पुराना दिन याद आ रहा है? 4-5 साल पहले का बात है, तभी तो हम लोग दूसरा घर में रहते थे और वहाँ का माहौल पूरा अलग था। अच्छा, उसको और थोड़ा सा दे दो। ठीक है, तुमको बहुत दिया। अरे रुको यार, चलो रियो जाओ। हाँ, सारे के सारे अफ्रीकन ग्रे का जो 5-6 चीक्स है। हाँ,
मतलब रुद्रा का सर का ऊपर से फ्लाई करके गया और फिर से उस पार से इस पार आया। अरे रुको यार, अभी शांत हो गया। एक्चुअली वहाँ ग्रेटर सल्फर क्रिस्टेट का एक ब्रीडिंग पेयर है, ह्यूज साइज का, मतलब फीमेल शायद अंडा ले कर दिया है, हैचिंग में है। इसी के लिए यहाँ जब हम लोग कोई डिस्टर्बेंस ज्यादा आवाज होता है, मेल बाहर आता है और बहुत जोर जोर से ऐसे चिल्लाता रहता है कि यहाँ से भागो, हटो, हम लोगों को प्राइवेसी चाहिए। इसी के लिए, और नहीं और नहीं और नहीं, बहुत ज्यादा लग गया था, लेकिन बहुत ओवर फीडिंग हो जाएगा तो मुश्किल है। ये सब बर्ड क्या होता है, अगर ओवर फीडिंग हो जाता है तो कभी कभी ये लोग उल्टी कर देते हैं। हम लोग जो नए हैं थोड़ा सा डर जाते हैं कि कोई प्रॉब्लम हो गया कि नहीं। नहीं, बर्ड का अगर लिक्विड खाना अगर ज़्यादा हो जाएगा ना, तो कभी कभी वो जैसे अफ्रीकन के कॉकाटूज मकाउस, तो वो उल्टी करके थोड़ा सा निकल के मतलब फेंक देते हैं बाहर। इसमें टेंशन की कोई बात नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया। वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। नहीं, वीडियो को अभी ख़त्म नहीं करेंगे। अफ्रीकन ग्रे का, हम लोगों का सबसे पहला सबसे पुराना जो अफ्रीकन ग्रे का ब्रीडिंग पेयर है, वो शायद मतलब अंडा तो ले कर दी थी इससे बहुत पहले, 25-26 दिन ऐसे कुछ हो रहा है। तो आज एक बार चेक कर लेंगे कि कुछ बेबीज वगैरह हैच हुआ कि नहीं, उसके बाद वीडियो ख़त्म करेंगे। चलो जाओ, तुम्हारा नाखून अभी बहुत तेज है, अभी शार्प है, और जब तक कोई बार पूरा फ्लाई नहीं कर पाता है ना, तो उसका बैलेंस सही से नहीं आता है और वजन भी बहुत भारी होता है, तो इसी के लिए वो उसका ग्रिप, और बेबी बर्ड्स का नाखून भी बहुत तेज होता है। आ गया रियो, हो गया, और नहीं और नहीं और नहीं, ये सारे बच्चों के लिए है, तुम तो बड़े हो गए हो। चलो चलो चलो, अरे तुम यहाँ आ जाओ, खाने का टाइम है। और एक्चुअली जब कोई बर्ड फर्स्ट टाइम फ्लाई करता है ना, तो वो खाना एकदम कम कर देते हैं और ऐसे पंख फड़फड़ाते रहते हैं। हम लोग सोचते हैं कि क्या कोई बीमारी हुआ या कोई प्रॉब्लम हुआ, कि बिल्कुल भी खाना नहीं खा रहा है, मतलब हैंड फीडिंग भी सही से नहीं लेगा और बाहर का खाना भी सही से पेट भर के खा नहीं पाएगा। लेकिन वो टेंशन की कोई बात नहीं, 15 दिन 20 दिन एक महीना तो ये चलता है फ्लाई करने के लिए, उड़ने के लिए, बॉडी वेट कम करता है और खुद को तैयार करता है लंबा उड़ान लगाने के लिए। तो डरने का कोई बात नहीं, जब हैंड फीडिंग से मतलब सेल ब्रीडिंग होता है, बर्ड खाना कम कर देते हैं, लेकिन बिल्कुल भी हम लोगों को नहीं घबराना है, ठीक है ना। तो चलिए अभी नीचे जाएंगे, चंद्रा इन सबको पेट भर के हैंड फीडिंग करा दो, उसके बाद तुम्हारा जो काम है करो। चलो नीचे एक बार सबसे पहले ब्रीडिंग प्रोग्रेस चेक करेंगे और उसके बाद मांका के साथ मिलेंगे, तभी जाके हम लोगों का वीडियो कंप्लीट होगा, खत्म होगा, उससे पहले नहीं। देखो अभी खाना हो गया और बिल्कुल शांत, इतना जो काई 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 कर रहा था अभी और कुछ नहीं। और इसका आंखें देखिए कितना सुंदर है, बहुत क्यूट है ना, मन करता है पूरा दिन गोद में लेके बैठा रहूं ना। ब्लू आइट, चारों तरफ देखिए ब्लू का एक ग्लो है ना। हाँ वाव, बहुत खूबसूरत है। हाँ और तो अभी आ गए हैं अफ्रीकन ग्रे का केज, मतलब उन लोगों का नेस्ट बॉक्स तो यहाँ बाहर से लगा हुआ है और यहाँ जो केज है इसका नेस्ट बॉक्स यहाँ लगा हुआ है, और उसको चेक करने के लिए हमको इसका अंदर से जाना पड़ता है और हर एक बार तो यहाँ से। हाँ आ गए हैं अंदर, और यहाँ तो हम लोगों का ब्लू फाउंटेड का ब्रीडिंग पेयर है, एकदम फिट एंड फाइन, पूरा के पूरा एडल्ट हो गया है, मेटिंग करते हुए हमने देखे हैं और नेस्ट बॉक्स का अंदर भी जा रहा है। इस साल में तो इन लोगों का भी ब्रीड मिलना मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है इन लोगों से नया बेबीज देखना। हाँ फीमेल तो हमेशा नेस्ट बॉक्स के आसपास ही रहते हैं, बहुत खूबसूरत है। हाँ रुद्रा, हाँ एटा फीमेल, अच्छा ठीक ठीक है। अभी जैसे हर बार की तरह खोलेंगे, और ये बॉक्स जब भी खोलता हूँ तो कुछ ना कुछ अच्छा, बॉक्स का हाल देखिए, मतलब ये ऑब्जर्वेशन गेट भी सही से बंद नहीं होता है, मतलब इतना बुरा हाल है, लेकिन लकी मानता हूँ। वो पीछे दिखाई दे रहा है, और ये लोग ऐसे करके बैठा रहता है ना, हाँ वो दिखाई दे रहा है। 4 अंडा था, अभी तक बेबीज हैच हुआ कि नहीं पता नहीं, और रात के टाइम ज़्यादा डिस्टर्ब करना भी सही नहीं रहेगा, ठीक है। और देख के जो लग रहा है, दोनों अंडा दिखाई दे रहा है, दोनों के दोनों फर्टाइल है, लेकिन 4 है, पीछे और भी 2 होंगे शायद, ठीक है। जो भी है अभी और डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अभी भी बाकी है, 24-25 दिन ऐसे कुछ हो रहा है, रहने देते हैं। हाँ इससे आगे और ज़्यादा बंद नहीं होगा, ऐसे ही रहेंगे और ऐसे कर देते हैं। चलो अभी मांका के पास जाना है, और ये तो हम लोग का हर रोज का काम है ना मांका, कितना भी रात हो जाए यहाँ तो एक बार आना होगा, यहाँ बैठना होगा, मांका उड़ के आएगा, यहाँ बैठेगा और बहुत सारे बातें होगा, मतलब पूरा दिन का क्या स्टोरी था, क्या कहानी था, मांका ने क्या किया, तबाही मचाया मेरे एवियरी के अंदर, किसके पीछे लगा, किसको तंग किया, पानी नल का टैप कैसे खोला, पानी कितना वेस्ट किया,
पूरा स्टोरी हमको बताएगा, उसके बाद हम लोग का ये मीटिंग खत्म होगा, उसके बाद मंका अपना घर जाएगा, मैं अपना रूम पे जाऊंगा, रहता तो हूँ एक ही जगह में, मंका यहाँ रह जाएगा और मैं अपना रूम पे चला जाऊंगा, फिर से सुबह मीटिंग होगा। जब कैमरा के सामने आता है तब मतलब अलग ही एक स्टाइल दिखाने के लिए कोशिश करता है हर बार। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया, वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और जो सर फ्रेंड्स हैं उन लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा, और आप हम लोगों का चैनल बनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और उसके बाद उसका बगल में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम लोग मैं और मंका दोनों ने मिलके जब कोई वीडियो यूट्यूब में अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन भी डायरेक्टली आप लोगों का मोबाइल या कंप्यूटर तक पहुंच जाएगा। तो आज का वीडियो यहां खत्म होता है। हाँ, बाय बाय कर दो ना, ऐसे खुजाने के लिए पैर उठाया, मैंने सोचा कि मंका थोड़ा सा स्मार्ट हो रहा है, बहुत कुछ सीख गए हैं। तो आज का वीडियो यहां खत्म होता है, फिर मिलेंगे किसी नया वीडियो नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मंका पैर उठा के बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। नीचे कौन है? रात के टाइम भी तुम लोगों को खाना खाना है? वो मंका, ठीक है मंका।